नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। ये खरीफ 2018 का मौसम है और बाजरा के ऊपर प्रयोग जो हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाजरा के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रभाव कैसा रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने जिंक और लो तत्वों का प्रयोग किया था और उसके अंदर बुआई के समय जो प्रयोग करना है वो भी किया और खड़ी फसल के अंदर है पर्णीय छिड़काव है वो भी किया। तो टोटल है 9 ये उपचार हमने इसके अंदर दिए। तो पहला उपचार है वो सिर्फ अनुशंसित जो खुराक है सिवाय जिंक और लो तत्वों को छोड़ करके बाकी सब है वो दी गई और इसके अलावा जो भी उपचार है उसके अंदर अनुशंसित खुराक के साथ है लो और ये जिंक तत्व भी जोड़ा गया। तो जिंक है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय में दिया है और फिर 25 किलोग्राम फेरस सल्फेट भी प्रति हेक्टर है बुआई के समय दिया है और फिर सिर्फ जिंक का 0.5% के हिसाब से बुआई के 30 और 45 दिनों के पर्णीय छिड़काव किया है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट का भी 0.5% के बुआई के 30 और 45 दिनों बाद पर्णीय छिड़काव किया है और फिर जिंक को 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय दिया है और खड़ी फसल में बुआई के 35 दिनों बाद में वो जिंक सल्फेट है 0.5% का एक छिड़काव यानी कि 100 मर्दा में भी दिया है और खड़ी फसल में भी दिया है लेकिन छिड़काव सिर्फ एक किया है। इस प्रकार फेरस सल्फेट को भी मर्दा के अंदर है 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय दिया है और फिर खड़ी फसल में एक छिड़काव है 0.5% का है वो 35 दिन की अवस्था पे किया है और फिर जिंक सल्फेट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुआई के समय किया है और खड़ी फसल के अंदर है आयरन सल्फेट का छिड़काव पर्णीय छिड़काव किया है वो 30 और 45 दिनों पर किया है। इसी प्रकार मर्दा के अंदर फेरस सल्फेट का 25 किलोग्राम बुआई के समय किया है और खड़ी फसल के अंदर जिंक का पर्णीय छिड़काव किया है यानी कि जिंक को मर्दा में अनुप्रयोग कर करके और लो तत्व को पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग करके अगर देखा जाए तो क्या प्रभाव रहेगा इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटमेंट दिए गए। और ये जो प्लॉट है जो आप देख रहे हो इसके सिक्के बहुत बढ़िया है भरपूर चिटे आ रखे हैं और टिलर्स भी बहुत बढ़िया है 1, 2, 3, 4, 5, 7 बहुत बढ़िया टिलर्स और दाने भी भरपूर भरे हुए हैं है ना चिट्टा पूरा भरपूर दाने से भरा हुआ है। तो कोई भी मतलब इसमें देख करके लग रहा है कि सूक्ष्म तत्व जिंक और आयरन की कमी नहीं रही है। इसमें हमने जिंक है वो है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय मर्दा अनुप्रयोग किया है और खड़ी फसल के अंदर है जो लो तत्व है फेरस सल्फेट है 0.5% का वो 30 और 45 दिन की अवस्था पे छिड़काव किया है। तो अभी ग्रोथ को देख करके ये लग रहा है कि जिंक को हमें मर्दा के अंदर प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय और आयरन को है वो खड़ी फसल के अंदर पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बाकी अभी यील्ड को इसके रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड करके और एनालिसिस करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि कौन सा उपचार है सबसे बढ़िया रहा। और अभी जो खड़ी फसल को देखते हुए और जो हमने वृद्धि के जो डेटा रिकॉर्ड किए उस आधार पर ये लग रहा है कि जिंक को तो मर्दा में प्रयोग करना चाहिए और जो लो तत्व है उसको पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये फसल है 5 जुलाई को बुआई हुई थी और आज 22 सितंबर 2018 हो गया है और अभी 5-7 दिन में ये फसल कटाई शुरू कर देंगे। ये पूरा पूरा प्रयोग का व्यू है। इस प्रकार बाजरे के अंदर है
सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर है अनुसंधान शुरू किया है और ये जांच की जा रही है कि विलो और जिंक तत्वों से इसकी वृद्धि और उपज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।